दर्शकों नमस्कार, खेल समय के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेल समय आज महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम ऐसे खेल की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। एक ऐसे खेल की हम बात करने जा रहे हैं जिसकी वर्ल्ड चैंपियन टीम का जो कप्तान है वो हमारे प्रदेश से ही नहीं, हमारे शहर यानी राजधानी भोपाल से आता है। एक ऐसा खेल समसामयिक तौर पर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि अभी हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें हम उप विजेता रहे। हालांकि ये बात और है कि लगातार बरसों तक मध्य प्रदेश विजेता रहा है, लेकिन फाइनल तक का सफर तय करना मध्य प्रदेश टीम का ये समसामयिक विषय बनता है, उपलब्धि और गौरव की बात बनता है। तो इसी विषय पर, इसी खेल पर सस्पेंस ज्यादा नहीं रखते हैं। थ्रो बॉल है वो खेल, खेला तो वॉलीबॉल की तर्ज पर जाता है, लेकिन शैली अलग है, तरीका अलग है और उपलब्धियां कहीं ज्यादा है। यानी जिस खेल में हम वर्ल्ड चैंपियन है उसकी बात करते हैं। वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान और उपकप्तान हमारे साथ, पहले तारुफ कराते हैं उपकप्तान से, कमल कुशवाहा। कमल कुशवाहा भारतीय वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान रहे हैं और कुछ दिनों बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर होगी, वहां पर हम इनको देखेंगे, एक बार फिर जीतते हुए देखेंगे। कमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। एक और व्यक्ति हमारे साथ है जो कमल के जूनियर हैं, लेकिन संभावनाएं और भी कहीं ज़्यादा हैं। जी हाँ, पवन तिवारी जो भारतीय वर्ल्ड चैंपियन टीम के उपकप्तान रहे, मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी उन्होंने की, दिग्विजय जो टीम के कप्तान थे उनकी गैर मौजूदगी में उपविजेता रही मध्य प्रदेश टीम। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं पूरे दूरदर्शन टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्टेज के आने का अवसर प्रदान किया। सर अवसर दरअसल आप जैसे खिलाड़ी बनाए करते सर, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल। सर। आप, दिग्विजय, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने थ्रो बॉल में शहर को, प्रदेश को, देश को गौरव दिलाया है। सबसे पहले आप दोनों से चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जीत की। मध्य प्रदेश फाइनल तक पहुंचा, हालांकि दिल्ली से परास्त हुआ। ये फरवरी में रहा था ये टूर्नामेंट, जहाँ तक मेरी जानकारी है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। कैसा रहा वो फाइनल तक का सफ़र, कमल आप बताएं। फाइनल तक पहुंचना हमारे लिए कभी भी ईजी नहीं रहा। अब जो थ्रो बॉल है वो इंडिया में इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं कि हर एक टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है और ट्रॉफी को लिफ्ट करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। मध्य प्रदेश का नाम पिछले कई वर्षों से इस गेम में बहुत ही उज्जवल रहा है, बहुत ही शानदार रहा है, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 2004 से लेके 2009 तक कंटिन्यू हर वर्ग में विजेता का खिताब हासिल किया था। जी 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 जी। अगर इस साल की बात करें, फरवरी में जो दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल रहा था, ये सफ़र कैसा रहा, कहाँ मिस कर गए और किन खूबियों के साथ, किन बेहतर बातों के साथ आप फाइनल तक पहुँचे थे, क्या खास रहा ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट में हम लोगों को सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम लोगों जो स्टार्टिंग थी वो हमारे पूल में हरियाणा, केरला, कुछ ऐसी बेस्ट टीमें जो इंडिया में अच्छे स्थान पर रहती हैं वो हमारे ग्रुप में थी, जिनके साथ हमारा पहला ही मैच स्टार्ट हुआ केरला टीम से। केरला टीम को हमने बहुत ही आसानी से पराजित किया। जब हमारा सेकंड मैच स्टार्ट हुआ हरियाणा से, तो वो मैच पूरे टूर्नामेंट का सबसे संघर्षपूर्ण मैच रहा, जिस मैच में कंटिन्यू तीन सेट चले हैं। तीन सेट में मध्य प्रदेश ने पहले सेट में हरियाणा को 15-12 से हराया, दूसरे सेट में हरियाणा थोड़ा सा बढ़त बनाते हुए मध्य प्रदेश को 13-15 से जीत गए। इसमें तीसरा सेट जो हुआ है, मध्य प्रदेश ने अपना वापस कमबैक किया, सारे प्लेयरों ने अपना वापस से बेसिक से स्टार्ट किया, जो कि हमारी सबसे बड़ी खासियत है। हम मध्य प्रदेश में थ्रो बॉल को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन से बॉल को कैच किया था और थ्रो किया जाता है, तो हम लोगों ने उस पर फोकस किया और हरियाणा को तीसरा सेट हराया। इसके बाद हमारे जितने भी मैचेस हुए, हमें उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हुई। हमने लगातार दो सेटों में हर एक टीम को हराते गए। हमारा कर्नाटका से जो मैच हुआ था वो क्वार्टर फाइनल मैच था, जैसे हमने लगातार दो सेट में अंडर 5 मारा था कर्नाटका को। उड़ीसा से हमारा सेमीफाइनल मैच हुआ था, सेम पोजीशन हमारी उड़ीसा से भी यही रही थी कि हमने उसे लगातार दो सेट में अंडर 7 हराया था। क्योंकि दिल्ली में टूर्नामेंट था, दिल्ली का एटमॉस्फेयर था, दिल्ली को थोड़ा सा इस बात का जरूर एडवांटेज रहता है, और हमारे प्लेयर काफ़ी अच्छा खेले थे। लगातार दो सेट हुए थे जिसमें से पहला सेट दिल्ली जीत गई थी, दूसरा साइड भी दिल्ली जीत गई थी, पर दोनों जो साइड हुए थे वो बहुत ही क्लोज हुए थे, बहुत ही क्लोज रहते हैं। मींस 15-13 और 14-16 से जो है वो दिल्ली साइड जीत गई थी।
ये तो अपने आप में एक ख़ास बात रहा ही करते हैं। आप सभी जानते हैं होम क्राउड का जो सपोर्ट रहा करता है वो अद्भुत रहा करता है, और इसी के चलते कई बार जो होम टीम रहा करती है, होस्ट टीम रहा करती है, वो दबाव भी हासिल कर लेती है विपक्षी टीम पर और जीत भी दर्ज कर लिया करती है। दिल्ली के पास वो समर्थन, वो सपोर्ट, वो सहयोग तो रहा ही होगा, लेकिन पवन फाइनल तक का सफ़र तय करना अपने आप में कैसा था? आपने कर्नाटक को हराया, आपने केरल जैसी मजबूत टीम को हराया, उड़ीसा को सेमीफाइनल में हराया, लेकिन फाइनल में दिल्ली से हारे। कहाँ कमी रह गई थी और क्या गुंजाइश बन रही थी आपकी टीम के लिए? क्या होना चाहिए था हम दिल्ली को भी हराते? सर देखिए, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा अपना खेल प्रदर्शन करा, पर जो कुछ कमियां हुई वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का, जैसा कि हमारे सीनियर भैया ने बताया कि एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा फ़र्क रहा, सनलाइट का जो असर रहा। अभी तो हम लोगों ने सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, उसका भी रहा। और जैसा क्राउड का असर होता है, क्राउड का सपोर्ट सर बहुत जोश भर देता है टीम में, तो उस चीज़ का मुझे लगता है कि थोड़ा सा होम ग्राउंड का उनको बेनिफिट मिला और हमें थोड़ा सा वहाँ पर कमजोरी हुई, पर पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा सर, इसलिए हम लोग फाइनल तक भी पहुँचे। कई बार होता है ऐसा दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हम फाइनल तक का सफ़र तो बहुत बढ़िया तरीके से तय करते हैं, लेकिन फाइनल का प्रेशर भी अलग होता है, और एक मैच होता है जो कहीं लूज कर जाते हैं। कहाँ हम भूलेंगे भारतीय क्रिकेट टीम का वो दिन जहाँ भारत फाइनल में परास्त हुआ था। बहुत दुखदायी था, लेकिन भारत ने जो प्रदर्शन किया था वो अद्भुत था। सभी खिलाड़ियों की न केवल तारीफ हुई थी, सराहना हुई थी, बल्कि उन्हें गौरव भी प्रदान किया गया था, और देश के हर व्यक्ति ने, हर खेल समर्थक ने उनके खेल की तारीफ की थी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कहलाती है। मेरे ख्याल से यही हुआ मध्य प्रदेश की थ्रोबॉल टीम के साथ भी। आपने फाइनल तक ज़बरदस्त खेल खेला, फाइनल में कुछ पॉइंट्स से आप लूज कर गए। ओवरऑल इस मैच को, इस तरह के टूर्नामेंट को आप कैसे देखते हैं, चूँकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर खेला जाता है थ्रोबॉल? ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत कुछ सिखाता है सर। एक्चुअल में क्या है, ये जो टूर्नामेंट होता है सीनियर नेशनल, इससे ही इंडिया टीम का चयन होता है। आने वाले जो नए प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर में चेंजेस होता है, वो इन्हीं के बिहाफ में होता है सर। तो ये टूर्नामेंट जो है वो हमारे इंडिया टीम की टीम को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। और रही बात इसकी, तो ये टूर्नामेंट जो होता है वो बहुत अच्छे लेवल पर होता है, और टूर्नामेंट के जितने भी सर्विसेज प्लेयर हैं उनको चुनकर, पूरे देश भर से चुनकर भारतीय टीम बनाई जाती है। यानी कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, तो यार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप अपने आप में इसीलिए जानी जाती है कि वहाँ से प्लेयर सेलेक्ट हुआ करते हैं। यस सर। मैं अगर मध्य प्रदेश की टीम की खूबियों के बारे में जानूँ, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में जानूँ, कौन से खिलाड़ी महत्वपूर्ण थे जिनका परफॉर्मेंस शानदार रहा था? पवन आपके साथ में है, आपका अनुभव उनके पास रहा होगा, कुछ और ऐसे नाम हैं जिन्होंने अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया? yes, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो मध्य प्रदेश टीम में खेल रहे हैं प्लेयर, कुछ पांच प्लेयर ऐसे हैं जो स्टेट अवार्डियाँ, जिनने नेशनल स्पोर्ट्स टाइम अवार्ड ले चुके हैं, माफी चाहता हूँ, छः लोग ऐसे हैं जिसमें से दिग्विजय पटेल जो कप्तानी कर रहे थे, चंद्रकांत हरडे, पवन तिवारी, विवेक कुशवा और मैं खुद। तो हम कुछ पांच छह प्लेयर ऐसे थे जो स्टेट अवार्डी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो बतौर इंडिया टीम में चार प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया टीम करंट अभी खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम काफ़ी मजबूत है, अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत मजबूत है, अपने खेल प्रदर्शन से भी बहुत मजबूत है। तो और जिसमें से मेरे साथ साथ एक और प्लेयर ऐसे हैं चंद्रकांत हरडे, जो विक्रम अवार्डी हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश शुरू से ही बहुत थ्रो बॉल में बहुत ऊपर रहा है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कुल टोटल 10 विक्रम अवार्डी हैं जिन्हें थ्रो बॉल से विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और कुछ 11 अवार्डी ऐसे हैं जिन्हें एकलव्य अवार्ड से सम्मान किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो किसी भी अकेडमी में, किसी भी टीम में नहीं है, किसी भी अन्य खेल में नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ खेल ऐसे हैं दर्शकों जो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, जिसमें जाहिर सी बात है थ्रो बॉल से आप रूबरू हो रहे हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान हैं और वो उप कप्तान हैं जो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, तो ये खेल आगे बढ़ रहा है। अगर आपके पास 11 विक्रम अवार्ड है और लगभग इतने ही आपके पास एकलव्य अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड आप जानते हैं उभरते युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है, विक्रम अवार्ड जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार रहा करता है, ये हासिल किया है कमल के साथ, ऐसे और कई नाम हैं इस खेल से। चलिए पवन से बात कर लेते हैं। पवन, हम अगर आपसे पूछें कि थ्रो बॉल आपने कैसे चूज़ किया, क्या कारण था, क्या वजह बनी, और आपका सफ़र कैसा रहा?
सर मैंने 2009 से थ्रो बॉल में आया हूँ, थ्रो 2009 से खेल रहा हूँ सर मैं। सर थ्रो बॉल सर एक एक अलग ही खेल में एक जुनून सा मुझे महसूस हुआ, जोश लगा टीम में एकदम, बहुत बढ़िया भैया लोग खेलते थे, इनको देखता था पहले छोटा था तो घर से परमिशन नहीं मिलती थी जाने की, पर जब खेलना चालू करा सर तो जो मज़ा सर मुझे ग्राउंड के अंदर खेलने में आता है सर, मुझे नहीं लगता वो महसूस मैं कहीं और कर पाता हूँ। तो सर वो कंटिन्यू बना रहा, वो जोश मेरे गेम में भी देखा सर, इसलिए मैं शायद आगे भी बढ़ पा रहा हूँ भैया लोगों के खेल को देखते हुए भी, और उनसे सीखा हूँ भी बहुत कुछ हूँ। थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं अपनी, कैसी रही जर्नी? सर जर्नी तो काफ़ी संघर्षपूर्ण ही रही सर जी, क्योंकि हमारे गेम में सर संघर्ष ज़रूरी है सर, भैया ने भी करा है, उनको देखते हुए हमने भी संघर्ष करा है सर। कभी कभी सिलेक्शन नहीं भी होता है तो जब टीम जा रही होती है तब तो हम ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, वो महसूस करा है सर कि हमें क्यों और अच्छा खेलना है। आपने जो महसूस किया है, जो संघर्ष किया है, उस पर हम और बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद महत्वपूर्ण बात रहेगी संघर्ष की, उपलब्धियों की, और थ्रो बॉल में क्या हम करने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी लौटते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेल समय के आज के अंक में। खेल समय में बात हो रही है थ्रो बॉल की, बात हो रही है थ्रो बॉल में उपलब्धियों की, बात हो रही है भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान से, भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान से नहीं, भारतीय वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान और उपकप्तान से। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, वर्ल्ड चैंपियन बनना शब्द ही भारी हो जाया करते हैं, और इसका अर्थ जो निकला करता है वो अद्भुत रहा करता है। जब भी कमल पवन बात होती है वर्ल्ड चैंपियन टीम हमारे देश की है, छाती चौड़ी हो जाया करती है। पवन, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, वो जर्नी वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य बने, नेशनल टीम के सदस्य बने, कैसी रही, कितना संघर्ष रहा, संक्षेप में सही लेकिन बताएं जरूर। सर पहले संघर्ष की बात करते हैं सर, क्योंकि स्टार्ट संघर्ष से ही शुरुआत होती है सर संघर्ष की। तो सर जब हम प्रैक्टिस में हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाता था नेशनल्स में, जब टीम जा रही होती है तो वो जो महसूस करा है कि क्यों हम आज पीछे हैं और हमारी टीम जा रही है, उस पे फिर हम लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सर वो जो अनुभव होता है सर ना जाने वाला, वही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है सर, कि हमारी क्या कमियां थी जिस वजह से हम आज यहाँ हैं और हमारी टीम जा रही है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। और सर सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहते हैं, सभी रहते हैं सर, तो हमें उनसे भी अच्छा कैसे खेलना है, अपनी कमियों पर और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहती है सर हमेशा। सर कभी इंजरीज प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी फेस करना है। ग्राउंड में तो सर बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, संघर्ष सभी जगह रहता है, प्रैक्टिस में भी करना है। आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आप पहले एमपी टीम फिर नेशनल टीम, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, थोड़ा उस बारे में बताएं। सर मेरा स्टार्टिंग सर स्कूल्स गेम से हुआ है सर मेरा, तो पहले स्कूल्स में आए थे सर सिलेक्शन करने, तो इतना दिलचस्प नहीं था, पर जहाँ पर स्कूल्स में सिलेक्शन हुआ प्रैक्टिस करते हुए, फिर मुझे लगा कि मुझे इसी गेम में आगे बढ़ना है, क्योंकि सर जैसे मैंने अनुभव की बात करी, जो मुझे वो खेलने में अनुभव प्राप्त हुआ सर वो कहीं नहीं मिला सर। खेल बहुत कुछ सिखाता है। यस। एमपी टीम में सिलेक्शन कब हुआ आपका? सर 2011 में हुआ था सर मेरा, मैं जी सर मैं सबसे पहले जी सर सब जूनियर गया हुआ था देवास में खेलने, वहाँ से फिर जो मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट भी मिला है, मेरे सीनियर कोचेस। फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे थोड़ा सा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? सर अभी फादर ही हैं हाउसवाइफ, तो मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा गवर्नमेंट में हैं। पापा क्या करते हैं? पापा डेली वेज में है सर। हाँ जी। चलिए, नेशनल टीम में कब सिलेक्शन हुआ आपका? सर 2011 में हुआ था सर, पहले सब जूनियर में हुआ था सर। मतलब जूनियर कैटेगरी से आपने नेशनल हाँ, टीम में ज्वाइन की थी। सीनियर नेशनल टीम के साल बताएं कब आप सिलेक्शन? सर 2016 में मेरा पहला नेशनल हुआ था सर, सीनियर नेशनल। 2016 फिर 2019, कमल आपसे जान लेते हैं, चूंकि थ्रो बॉल की बात हुई, थ्रो बॉल में इस तरीके से पवन ने अपना सफर तय किया, आपका सफर तो हम सभी जानते हैं, किस तरीके से आपने न केवल थ्रो बॉल को थामा, उसमें उपलब्धियां हासिल की, देश की अगुवाई की, देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, बहुत संक्षेप में बताएंगे किस तरीके से थ्रो बॉल से जुड़े और क्या दिखा आपको? मैं एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। जी जी। मैंने मेरे फादर चाहते थे मैं क्रिकेटर बनूँ। हाँ, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया। हाँ, हाँ। माइक आपसे चर्चा हो चुकी है। जी जी। तो मेरे फादर चाहते थे मैं क्रिकेटर बनूँ, मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूँ, और मैं क्रिकेट खेलता भी था। मैं कई समय तो मैंने क्रिकेट खेला, पर पारिवारिक स्थिति इतनी ठीक नहीं होने के चक्कर में, पैसों का थोड़ा सा अभाव होने के चक्कर में मैंने ग्राउंड जाना छोड़ दिया।
और मैं ग्राउंड ना जाते हुए मैं एक और ग्राउंड पे जाके बैठ जाता था अपना किट बैग लेके, और वहाँ पर मैं देखता था कि कुछ लोग हैं जो एक बॉल के साथ थ्रो कर रहे हैं। मैंने कभी एक महीने तक उनको देखा होगा वहाँ पर। एक महीने के बाद जो हमारे सेक्रेटरी हैं अविनाश भुरभुरे जी, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि ये गेम को पकड़ के खेलो। तो मुझे याद है कि मैं 2001 से मैंने ये गेम को स्टार्ट किया है। 2002 में मेरा पहला जूनियर नेशनल स्टार्ट हुआ था, जो मैं गया हुआ था शिमला। उसके बाद मेरा सब जूनियर नेशनल हुआ लुधियाना में। तो सब जूनियर नेशनल, जूनियर नेशनल दोनों में ही मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सब जूनियर, जूनियर नेशनल के बाद जब मैं वापस सीनियर की कैटेगरी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया मैंने, तो 2005 में मेरा फर्स्ट सीनियर नेशनल था, जिसमें मुझे मतलब मेरा फर्स्ट जो मैच था वो सेमीफाइनल मैच में मेरी एंट्री हुई थी, जो मैच कर्नाटका के साथ खेला जा रहा था, और जो बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण मैच था, जिसमें जो थ्रोबॉल की इतिहास में, जो थ्रोबॉल की हिस्ट्री में 2.5 से 3 घंटे वो मैच चला था। मतलब मैंने आज तक कभी इतना लंबा मैच देखा नहीं है, और मैं उस मैच में बतौर प्लेयर, बतौर खिलाड़ी बनकर वो मैच खेला, वो मैच का अनुभव किया। मेरा सीनियर का डेब्यू मैच था, और जिसमें मुझे सर्विसेज प्लेयर का टूर्नामेंट दिया गया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं गेम कोई भी हो, अपने शहर का, अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन इस गेम से भी कर सकता। आपने बात कह दी है, तो माता पिता के बारे में जल्दी से बता दें, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? क्योंकि शुरुआत आपने उस बात से कही कि अभाव था, आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे आपके परिवार के लोग, क्या थे परिवार, पापा क्या करते हैं आपके? पापा उस समय तो किसी के घर में खाना बनाते थे। मतलब उस समय फादर की जॉब नहीं थी, और एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो हमारी फैमिली में हुई थी कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं हैंडीकैप था। जब मैं हैंडीकैप था तो 2 साल की उम्र में मेरी माता जी ने मेरा ऑपरेशन कराया था 1250 हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर बल्वपुरी ने मेरा ऑपरेशन किया था। तो वो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दिक्कत क्या थी, दिव्यांगता क्या थी? मतलब जो मेरा पैर है वो जो फिंगर्स आगे होती हैं वो एकदम अपोजिट पीछे थी, मतलब मेरा पैर पूरा मुड़ा हुआ था। और अगर आप अभी भी मेरे पैर नॉर्मली चल भी नहीं पाते होंगे तब, तब मुझे अब तो मैंने आपसे, मैं पिछले एक दशक से आपको जानता हूँ लगभग लगभग, मैंने कभी आपको अलग तरीके से चलते हुए नहीं देखा, कंप्लीट एक फिटफाट जो प्लेयर रहा करता है वैसा ही देखा आपको। मैं आपको एक और इसी के बाद एक और किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मुझे डॉक्टर ने मतलब मेरे मदर और मेरे फादर को ये कहा था कि ये ऑपरेशन तो हो गया है, अब ये चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक, 20 कदम या 25 कदम तक, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता ये, और भाग दौड़ नहीं सकता। पर चूंकि मैं अपने अपनी उस उम्र के बच्चों को देखता था भागते हुए दौड़ते हुए, तो मैं मेरी मम्मी से बोलता था कि मम्मी मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि जाओ ठीक है खेलो, और जब मैं भागता हुआ जाता था, दौड़ता हुआ जाता था, और मैं गिर जाता था, मेरे घुटने फूट जाते थे, मेरी मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं, इसमें मलहम लगा लो, कल फिर से दौड़ना। ऐसे ऐसे करके मैंने दौड़ना स्टार्ट करा, तो मेरी माता मेरे पिता ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि तुम भी इनकी तरह नॉर्मल हो। क्या बात है, और वहीं से एक जज्बा पैदा हुआ। माता पिता बहुत अच्छी बात किया करते हैं, एक अच्छी बात हमारे प्रोड्यूसर मोहन द्विवेदी भी ऊपर से कर रहे हैं, वो बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। सच्चाई यही है कि जहाँ आपकी चाह बन जाए रास्ते बन जाए करते हैं। रास्ते बनाने वाले मेरे साथ हैं, देश को गौरव दिलाया, आज हमारे प्रोग्राम को गौरवान्वित कर रहे हैं कमल कुशवाहा, पवन तिवारी से और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्दी लौटते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खेल समय के आज के अंक में। थ्रोबॉल की बात हो रही है, भारतीय टीम के कप्तान मेरे साथ हैं, उपकप्तान मेरे साथ हैं, वर्ल्ड चैंपियन है इस खेल में, एक बार फिर आपको बता दूं, क्योंकि वो बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये जानकर ये सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा ऐसा मेरा विश्वास है। कैसे कमल हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, ये सब कुछ कैसे रचा गया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। चूँकि मेरी जितनी जानकारी है, एशियाई चैंपियन तो हम हैं ही, बिल्कुल, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका बड़ी ताकतें हैं, लेकिन यूरोप में भी ये खेल खेला जाता है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड बड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका आपने खुद बताया था कि वो बड़े पैमाने पर वहाँ खेला जाता है, इन सब के दरमियान वर्ल्ड चैंपियन होना ये कैसे संभव हुआ? सर शुरुआत करते हैं एशियन गेम्स से। जब हम लोगों ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप खेली थी, मैंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप खेली थी 2008 में, जिसमें मैं बतौर, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था जिसमें मुझे कप्तान
बनाकर इंडिया टीम से 2008 में आप कप्तान बना 2008 में मैं कप्तान बना था इंडिया टीम के लिए और ये श्रीलंका में ये चैम्पियनशिप खेली गई थी जिसमें हमने श्रीलंका टीम को मतलब पहले ही सेट में 15-0 से और 15-2 से हराया था। जो टीम एशिया की टॉप टीम कहलाती थी उसे हमने 15-0, 15-2 से हराया था। तो बाकी जितनी भी टीमें थी एशिया की वो अपने आप हमारा परफॉर्मेंस को देख के सरेंडर कर गई थी। वो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई थी उनके साथ मैच खेलने की उनकी तरफ से। हम लोगों को तो एक ही फोकस था, हमें यहाँ पर से जितना जल्दी जिस टीम को हमें हराना है और ट्रॉफी लेके आना है। तो पहली बार हमने एशियन चैम्पियनशिप का खिताब हासिल किया था भारत ने 2008 में। उसके बाद जब 2016 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली जा रही थी नेपाल में, जिसमें मेरे साथ मेरे साथी पवन तिवारी, चंद्रकांत हरडे, मिथुन वर्मा, भोपाल टीम से हम चार प्लेयर सेलेक्ट हुए थे इंडिया टीम के लिए। बाकी दिल्ली अपने आप एक बड़ी बात है, एक शहर से एटलीस्ट वो हमारा शहर है ये एक अलग बात है, लेकिन चार खिलाड़ी एक साथ सेलेक्ट होना। एक और बात जो मेरी जानकारी में है, कप्तान हमेशा मध्य प्रदेश से या भोपाल से रहा है? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2002 में जब ये पहली बार इसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें जोएस थॉमस भारतीय टीम के कप्तान बने थे, जो भोपाल से ही हैं, जो मध्य प्रदेश थ्रोबॉल एसोसिएशन के प्लेयर हैं, अभी सह सचिव हैं। उसके बाद संतोष वर्मा जो वो भी भोपाल से ही हैं। 2003 में मलेशिया में ये टूर्नामेंट हुआ था जिसमें वो भी खेले थे बतौर कैप्टेंसी के साथ, विक्रम अवार्डी हैं वो भी विक्रम अवार्डी हैं। तो ऐसे हमारे सीनियर्स काफ़ी सीनियर्स हैं जो भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। पंकज पंत हैं जो कप्तानी कर चुके हैं, और आप लोग जितने भी मैंने आपको नाम लिए हैं ये सारे ही विक्रम अवार्डी हैं मध्य प्रदेश थ्रोबॉल एसोसिएशन की तरफ से। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है। दरअसल समय कम रहा करता है, विस्तार से चर्चा हो सकती है उस खेल की जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन पवन तिवारी हमारे साथ हैं। पवन से बातें कम हुई है लेकिन आपके इरादे जाहिर होते हैं आपके जज्बे से, आपकी बातों से, आपके चेहरे से। आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आप खुद का भी और मध्य प्रदेश थ्रोबॉल का? सर अभी पूरी टीम हम लोग सर नेशनल खेल कर आते हैं तो फिर हम लोग जश्न के बाद फिर नेक्स्ट ईयर की ही तैयारी करने लग जाते हैं। तो अभी सर फिर से हमारा ये है जो हमारी अभी चूक हुई है सर इस नेशनल में उस पर सुधार करना है, क्योंकि हमें भी प्रथम स्थान पर आना है। चैंपियन बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कमल आपसे जान लेते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाले समय में होने वाली होगी जाहिर सी बात है, क्योंकि लंबा समय हो गया है, आगे क्या देखते हैं इंडिया के लिए थ्रोबॉल क्या करने जा रहे हैं कमल, और क्या भारतीय टीम करने जा रही है? सर बेसिकली अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है वो इंग्लैंड में होने वाली है, डेट अनाउंस नहीं हुई है उसकी, प्लेस अनाउंस हो चुकी है कि वो इंग्लैंड में ही होनी है। जिसके लिए जो भी नेशनल हो रहे हैं उस नेशनल में मैं हर टीम के हर प्लेयरों से बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली उनसे बात कर रहा हूँ, और हम लोग आपस में जितने भी इंडिया टीम के प्लेयर हैं वो हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हम सब अपनी अपनी प्रैक्टिसों के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। जो भी नेशनल पर टाइम मिलता है उस नेशनल टाइम पर हम पर्सनली अपनी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, आप इसके साथ साथ हम बिल्कुल काफ़ी दिनों का वेट है, काफ़ी दिनों का इंतजार है, बीच में कोविड भी था जिसकी वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप टली है। चलिए चलते चलते आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं जो दरअसल हमारे प्रोड्यूसर हैं मोहन द्विवेदी उनके दिमाग में आया है, ये खेल इतना पॉपुलर है क्यों नहीं, अभी तक आमजन बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए और क्यों ऐसा है अभी तक? बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो ये खेल अभी और खेलों की तरह इतना पॉपुलर इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये खेल को अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं करते हुए, क्योंकि वो उनके सामने पहुंच नहीं पा रहा ये खेल। ये पहुंचे इसके लिए क्या होना चाहिए जल्दी से? अगर ये पहुंचे इसके लिए टीवी पे प्रसारण होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं आजकल खेलों में लीग का एक बड़ा महत्व चल रहा है, तो हम लोगों ने भी अभी एक वुमेंस लीग की तैयारी करी है और वो अभी बतौर चल ही रही है। 11 से 15 वो एक लीग चल रही है जिसका प्रसारण भी हो रहा है, और हम धीरे धीरे करके ये स्कूल कॉलेजों में ये गेम आ चुका है, तो अब ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। चलिए, ऐसे ही उम्मीद करते हैं, चूँकि तमाम सारे संघर्ष आपने भी किए हैं, तमाम सारी उपलब्धियां आपने भी हासिल की हैं, ऐसा ही थ्रोबॉल भी करेगा, आपकी ही अगुवाई में करेगा। पवन और कमल, आप दोनों हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी अच्छी जानकारी दी, ऐसे खेल के बारे में बताया जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, ऐसे खेल के बारे में जानकारी दी जिसमें संभावनाएँ और ज़्यादा हैं। इनसे विदा लें, इनको धन्यवाद दें। इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि थ्रोबॉल ही नहीं
भारतीय खेल और लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हर खेल की समीक्षा, हर खेल के बारे में विशिष्ट जानकारी लेकर आप तक हमेशा हम आते रहेंगे। अभी आके दीजिए, नमस्कार।